कि योनो SBI में जो एक न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का अपडेट आया है आज हम आपको लाइव बताने वाले हैं, क्योंकि आप पुराने तरीके से योनो SBI में अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे अपडेट आ गया है कि सिम वेरिफिकेशन लॉगिन, यानी कि जिस डिवाइस में आप यूज करना चाहते हैं उस डिवाइस में आपके खाते से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो रहना चाहिए, तभी आप योनो SBI को यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस देने वाले हैं इसी के रिगार्डिंग, किस तरह से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ योनो SBI को लॉगिन करना है, कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं MKP गुड टिप्स चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम आपको प्ले स्टोर पर लेकर चलते हैं, और प्ले स्टोर पर आने के बाद आप यहाँ पर जो है योनो SBI सर्च कर लेंगे। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी आप यहाँ पर सर्च करके एक बार जो है अपने एप्लीकेशन को योनो SBI को अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है योनो SBI एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, यानी कि डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद फिर से आप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने में पहली स्क्रीन कुछ इस तरह का खुलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी परमिशन मांगा जाएगा तो परमिशन आप यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउ पर क्लिक कर देना है, और अलाउ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके खाते से लिंक मोबाइल नंबर है, सिम एक है या दो है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है, और ऐसा करने के बाद यहाँ पे फिर से अलाउ का परमिशन मांगेगा, तो अलाउ पर कर दीजिएगा क्लिक। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन जो खुलेगा, सिम वेरिफिकेशन कर रहा है, यहाँ पर कुछ सेकेंड लग सकता है, तो यहाँ पर वेट करेंगे। जैसे ही वेट करेंगे आपसे पूछा जाएगा सिस्टम अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डेट ऑफ बर्थ दे के आप यहां पे आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद एक नया आपके सामने में पेज खुलेगा प्रोसीड का, तो यहां पे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहां पे आपको यूजर नेम पासवर्ड देके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहां पे यूजर नेम और पासवर्ड यहां पे जो है अपना इंटर कर देते हैं, उसके बाद यहां पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। और ऐसा करने के बाद आपके सामने में एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, तो वो OTP यहाँ पे आप इंटर करेंगे। अगर OTP नहीं आया तो रिसेंट OTP पे आप क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे OTP दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप MPIN बनाना चाहते हैं, बार बार यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन नहीं करना चाहते हैं, तो आप MPIN बना सकते हैं। तो इसको सारा आपको रीड कर लेना है, इस पेज को एकदम ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो 6 डिजिट का आपको कोई सा भी यहाँ पे MPIN बना लेना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आप यहाँ पे हो चुके हैं, तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो योनो SBI की पहली स्क्रीन जो खुला है कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलेगा, तो जो भी आ रहा है इसको यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिया होगा कट का, तो यहाँ पे कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस चेक करना है, तो यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप इसी तरीके से जो है योनो SBI में नया रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस का अपडेट आया है सिम वेरिफिकेशन लॉगिन करके, तो आप इसी तरह से यहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से जो है योनो SBI को यूज कर सकते हैं, अपने खाते को एक्सेस कर सकते हैं योनो SBI के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई आपके मन में सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।